Hi, this is Nadeem Ajaz. You are watching Osaf Knowledge for Dabas. Welcome to new video tutorial of Microsoft Excel. Now we are talking another function of Microsoft Excel, count function. Here we will discuss five major uses of count function. Let's start. काउंट फंक्शन क्या करता है? काउंट फंक्शन हमें काउंटिंग करके देगा कि हमारे पास कितना रिकॉर्ड है. काउंटिंग मुख्तलिफ किस्म से है की है, किस तरह से है, आइए देखते हैं. सबसे पहले तो है सिंपल काउंट. सिंपल काउंट में क्या है, वही फंक्शन जिस तरह से हम यूज़ करते हैं, पहले इज इक्वल का साइन, उसके बाद फंक्शन का नेम count. ठीक है, देखें काउंट के ये सारे फंक्शन आ गए हैं. सबसे पहले काउंट है. काउंट का फंक्शन क्या करेगा कि हम यहाँ पे देंगे वैल्यू जिसको वो काउंट करेगा. वैल्यूज़ में हम इसकी रेंज भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से ये रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ. ठीक है, तो ये इसने टोटल हमें काउंट करके दे दिया कि टोटल ये 7 है. ठीक है, यहाँ तक हमने इसको काउंट किया. नेक्स्ट क्या है, हम अगला देखते हैं. नेक्स्ट काउंट क्या है? नेक्स्ट है काउंट ए. काउंट और काउंट ए में क्या फ़र्क है, ये चीज़ अभी हम देखते हैं. जैसे मैं यहाँ फिर इसकी वही रेंज दे देता हूँ तो इसमें भी 7 आ गया. ठीक है, यहाँ पे है काउंट ए. ठीक है, सपोज़ यहाँ से मैं कुछ डाटा चेंज करता हूँ तो इसमें अब क्या हुआ, इस पर मैंने डाटा दिया है न्यूमेरिकल डाटा, दूसरा टेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स दिया है, मैंने टेक्स्ट डाटा दिया, टेक्स्ट डाटा दिया है, तो इसने काउंट, सिंपल काउंट ने इसको काउंट नहीं किया, जबकि काउंट ए ने इसको काउंट कर लिया. काउंट क्या करता है कि वो सिर्फ जो न्यूमेरिकल डाटा होगा, जो डिजिट्स होंगे, सिर्फ उनको काउंट करेगा, जबकि जो काउंट ए है वो डिजिट हो या वो अल्फ़ाबेट्स हों, वो दोनों को ही काउंट कर लेगा. ठीक है, इसकी समझ आ गई. यहाँ पर क्या था, आई थिंक 12,000 था, जो भी. ठीक है, नेक्स्ट है फिर काउंट इफ. कंडीशन के साथ काउंट विद कंडीशन इज इक्वल काउंट इफ, या इससे पहले काउंट ब्लैंक देख लें. काउंट ब्लैंक क्या करेगा, इसमें भी हम रेंज देंगे नहीं 0, ये क्या करेगा काउंट ब्लैंक, ये क्या करेगा कि जो कॉलम, जो हमारे सेल खाली होंगे ये उनको काउंट करेगा. जैसे ये दो सेल मैंने खाली कर दिए तो इसकी वैल्यू अब 2 आ रही है. सपोज़ यहाँ पर मैं कोई डाटा दे देता हूँ, ठीक है, तो अब एक ब्लैंक है, एक रह गया इसमें से, इसमें भी मैं कोई डाटा दे देता हूँ, ठीक है, अब ये 0 ब्लैंक है. अगर यहाँ पर कोई डाटा होगा तो और डाटा भी शो कर देगा इसमें. ठीक है, अब नेक्स्ट है काउंट विद कंडीशन. तो इसमें क्या होगा, वही काउंट इफ. इफ में क्या है, वही है कि पहले हम रेंज देंगे, पहले दर रेंज, दूसरा क्राइटेरिया. रेंज हमने यहाँ पे दे दी कि जी इस रेंज को वो काउंट करेगा. ठीक है, क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया हम यहाँ पे दे देते हैं कि अगर उसकी उसमें वैल्यू हो 10,000. ठीक है, इसमें जितनी जिस जगह पे 10,000 वैल्यू आएगी उसको वो काउंट कर लेगा. जैसे यहाँ पे 10,000 आ रहा है, यहाँ पे 10,000 आ रहा है, तो वो दो वैल्यूज़ हैं जिनका 10,000 आ रहा है, उसने काउंट करके दे दिया. ठीक है, इस कंडीशन को मैं चेंज करके 10,000 की बजाय 12,000 कर देता हूँ, तो अब वो 12 वाले भी 2 हैं, 15 वाले हमारे पास 3 हैं. मैं 15 वाली कंडीशन लगा देता हूँ तो ये उसने 3 काउंट करके हमें दे दिए. ठीक है, नेक्स्ट है काउंट विद मल्टीपल कंडीशंस. मल्टीपल कंडीशन में क्या होगा, मल्टीपल कंडीशन में अगर मैं कोई एक से ज़्यादा कंडीशंस लगाना चाह रहा हूँ तो फिर इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ काउंट इफ्स. इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्राइटेरिया 1,
उसकी रेंज आ जाएगी। पहला क्राइटेरिया मैं वही दे देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। इसमें क्राइटेरिया क्या होगा, वही कि जहाँ पे 10,000 हो, ठीक हो गया। अब मज़ीद दूसरी कंडीशन भी मैं लगाना चाहता हूँ कि ये जहाँ पे 10,000 हो और नेम में जिसका नेम जॉन हो, ठीक है। तो दूसरी रेंज, अब वो कह रहा है दूसरी रेंज दें, दूसरी रेंज में ये साल देता हूँ, ठीक है। इसका अब कह रहा है क्राइटेरिया दें, इसका क्राइटेरिया क्या होगा, मैं वो लिख देता हूँ जॉन, ठीक है। अब ये उसने दो काउंट कर दिए, 10,000 10,000, ये भी जॉन है, ये भी जॉन है। ये जॉन हमारे पास तीन है, लेकिन इसकी 10,000 नहीं है, इसकी 15,000 है। सपोज इसको भी मैं 10,000 कर देता हूँ, तो अब उसने तीन दे दिए, ठीक है। ये 10,000 है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब वापस फिर दो रह गए हैं, ठीक है। ये दोनों कंडीशन चेक करेगा, नेम भी चेक करेगा और ये वाला भी चेक करेगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।